बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव में आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये कि भाई बहुत हो गई वीडियो आईफोन के मुतल्लिक, XR, XS Max, S, XS, 11 Pro Max, 11, 12, 12 Pro Max, बहुत सी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं मैं। लेकिन आज की वीडियो भाई, मोबाइल तो सिंपल सा है, पुराना मॉडल है, लेकिन मुझे इसकी लुकिंग वाइज बहुत अच्छा लगा है। मैंने इसलिए बोला आप हमारे साथ इसकी वीडियो भी शेयर करता हूँ, यानी कि सैमसंग A9 यूजेबल में है जी, कहां पर पड़ा हुआ है और इसके प्राइस क्या है, इससे भी आपको अपडेट कर देता हूं। तो देखते हैं आज की फिर वीडियो एक पुराने मॉडल के साथ। ये रखा जी सैमसंग का एक पुराना मॉडल भाई, इससे बोलूंगा मैं, अभी काफ़ी साल हो गए इसे लॉन्च हुए, अभी तो ये मार्केट में भाई कहीं किसी के पास मिलता है, लेकिन एक भाई के पास पड़ा हुआ है। मैं आपको जगह भी, लोकेशन भी बता दूंगा, काफ़ी मशहूर जगह है। तो मोबाइल की कंडीशन वगैरह आपको बता दूंगा और इसके बाद इसके प्राइस वगैरह भी आपको बताता हूँ, उसके बाद ही आपको इस लोकेशन वगैरह भी बता दूंगा। आप भाई मुमकिन जानते होंगे सब जो सऊदी अरब में खारजी भाई हैं। सैमसंग A9 यूजेबल में, डिस्प्ले की बात करें तो 6 इंच का, यानी कि 6 इंच का उस टाइम यार ये बड़े साइज का डिस्प्ले आया था। और ये जब मोबाइल ये लॉन्च किया गया था, जो बंदा लेता था, बंदे उसके भाई हाथ से पकड़ कर देखते थे, यार मोबाइल तो बहुत खूबसूरत सैमसंग ने बनाया है। अच्छा, सैमसंग की A सीरीज वैसे मैं लाइक करता हूँ इस चीज़ को, अभी तो नोट सीरीज S21 या ये सीरीज आ गई है, ये कमाल की है जी। बात कर लेते हैं साइड से, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बोल रहे हैं या पावर ऑन का बटन आपको मिल जाएगा साइड पर ही, इसके वॉल्यूम अप डाउन का बटन, सिम निकालने वाली जगह, नीचे स्पीकर के लिए वगैरह चार्जिंग की जगह वगैरह आपने देख लिया, ये बिल्कुल ओके है, कोई किसी का मसला नहीं है। हल्की फुल्की धूल होती है यार इनमें, ये यूज़ में ये कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन चीज होती है भाई कोई चीज खराब ना हो, कोई चीज खुली हो ना। अच्छा, कैमरों की बात करें तो आपको 24 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, यानी कि 3 कैमरों का सेटअप आपको रखा गया है। 720 180 की आप इनसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको 24 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा और बैक जो मेन कैमरा है वो भी 24 मेगापिक्सल का ही मिलेगा आपको। कैमरा मैं यहां पर चलाकर दिखा भी रहा हूं, 180 की आप भाई बैक कैमरे से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, यानी कि 4K का ऑप्शन भाई इनमें नहीं था। अगर स्टोरेज की बात करें तो आपको 64 GB 4 GB रैम के साथ बैक कैमरे का रिजल्ट देख रही, मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, 128 GB 4 GB रैम के साथ, 128 GB 6 GB रैम के साथ, यानी कि 3 स्टोरेज 128, 2 स्टोरेज 128 और 64, रैम 3 किस्म की है जी, 4 GB 128 GB के साथ 4 GB और 128 GB के साथ 6 GB, यानी कि रैम तीन किस्म की यूज़ की गई है। बैटरी जो इसकी ओरिजिनल है जी वो 3300 mAh की आती थी, उस टाइम ये बड़ी बैटरी मानी जाती थी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ये इतनी बैटरी बेस्ट आई, एक दिन तो इजी चलती है अगर बैटरी टाइमिंग वगैरह अच्छी हो। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया ये सैमसंग A9, तो शो वाला इसके सिर्फ 400 रियाल मांग रहा है, तो यानी कि इसमें लेस वगैरह हो जाएगा आपको, तो 350 के राउंड में मिल जाएगा। अभी लोकेशन आपको बता दूं भाई, मक्का में बिन लादेन का जो कैंप है, तमाम तर गैर मुल्की जानते हैं मक्का बिन लादेन कैंप, यहाँ पर उसके मतलब आपको वीडियो भी दिखा रखा हूँ मैं, ये यहाँ पर एक पाकिस्तानी की शॉप है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पर मोबाइल की भी कुछ शॉप वगैरह अंदर बनाई हुई है, अंदर मार्केट वगैरह बनी हुई है भाई, जो भाइयों ने विजिट किया हुआ है उनको तो पता होगा, तो वहाँ पर भाई ये अभी भी अवेलेबल है। आप भाइयों ने बहरहाल किसी और मोबाइल के मतलब वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।